नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बना रहे हैं ड्राई ग्रेवी मंचूरियन। आप सभी का मेरी चैनल कुक विद हर्षिता में स्वागत है। तो इस ड्राई ग्रेवी मंचूरियन को बनाने के लिए फटाफट से कुछ सब्जियां मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ग्रेटेड कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, ओनियन, ये सारी चीज़ें ली हैं हमने। अब इसमें हम दोस्तों जो 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर और मैदा हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद कुछ मसाले, तो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरे का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो चिली सॉस इसमें ऐड कर देते हैं दोस्तों। इसी के साथ सोया सॉस ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को वापस से मिक्स करेंगे और इसके जो बॉल्स हैं दोस्तों वो तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ हमारे बॉल्स रेडी हैं। एक तरफ तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल को हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही बॉल डालने के बाद जो एकदम तेल, जो मंचूरियन बॉल है वो आपका फ्राई होना शुरू होता है, तो आप एक एक करके इसमें मंचूरियन बॉल्स ऐड करें और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे से हमारे जो मंचूरियन बॉल्स हैं ये फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे एक्स्ट्रा तेल को छानते हुए। इसको हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे मंचूरियन बॉल तैयार हुए हैं। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल रखेंगे और फटाफट से जो अदरक है और लहसुन है उसको ऐड करेंगे। स्टिर करेंगे फास्ट फ्लेम पर एकदम, और फिर ग्रेटेड जो हमारी सब्जियां थी जो हम लोगों ने मंचूरियन बॉल्स बनाते हुए ली थी वो सभी को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ जो बीटरूट है उसको भी ऐड किया, एकदम हाई फ्लेम पे इसको ऐड करना है। स्प्रे कैप्सिकम ऐड किया है, स्प्रिंग ऑनियन ऐड करिए, सारी चीज़ें ऐड करनी है और अच्छे से स्टिर करें। और अब इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। लगभग हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है दोस्तों। और फटाफट से एकदम हाई फ्लेम पर ये सारी प्रोसेस करनी है। आप देख सकते हैं बीटरूट के कलर बहुत अच्छा आया है। अब साथ में हल्का सा चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही टोमेटो सॉस भी ऐड कर देते हैं और इसको दे देते हैं एक अच्छा सा टॉस। ये देखिए, और फिर 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे इसी तरह से हाई फ्लेम पर। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर की 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में ऐड करके इसकी स्लरी तैयार करी थी, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको करेंगे। और साथ ही स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक हमारी बाकी सारे सॉसेस में भी हैं दोस्तों, हमने पहले भी ऐड किया है, तो उसी हिसाब से आपको ऐड करना है। और यहाँ पर ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, तो मंचूरियन बॉल्स ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से दोस्तों इसको टॉस करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे करेंगे गैस को बंद दोस्तों। और साथ ही हमने जो बाकी सा जो सब्जियाँ काट के रखी हुई थी, तो अब सबसे ऊपर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो स्प्रिंग ऑनियंस ऐड कर देते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे बाकी जो सब्जियाँ हैं उसको भी रखी हुई हैं, जैसे जो कैबेज वगैरह है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से ऐड करते हैं। हल्का सा जो कच्चापन आता है बहुत मज़ेदार होता है दोस्तों, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखो, ये मैंने कैबेज वगैरह ऐड कर लिया है और हमारा यहाँ पर मंचूरियन एकदम रेडी हो चुका है दोस्तों, परफेक्ट। अब इसको सर्व कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस रेसिपी को। बाय बाय।